ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। प्रातःकाल लाइव के संवाद शो में हम प्रवासी कारोबारियों की संघर्ष गाथा और उनकी कामयाबी की कहानी से आप सभी को अवगत कराना चाहते हैं। इसके साथ ही हम उनसे यह भी जानते हैं कि कोरोना काल के बाद बाजार के हालात क्या हैं। संवाद के इस क्रम में हम मिलने आए हैं ब्यूटीफुल ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक नरेंद्र चौधरी से। उनसे ही जानते हैं उनके संघर्षों की कहानी, जो निश्चित ही बड़ी प्रेरणादायक है। तो आइए मिलते हैं नरेंद्र चौधरी से, जिनसे संवाद साध रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता मनीष पालीवाल। नमस्कार दोस्तों, प्रातःकाल लाइव पर आपका स्वागत है। साल था 1988। पाली जिले के सरथुर गांव के एक युवा ने 11वीं तक की शिक्षा ग्रहण करने के बाद मुंबई जाकर अपना एक मुकाम बनाने की सोची। मुंबई आए, मीरा भाईंदर में एक किराने की दुकान पर मात्र 300 रुपये महीने में नौकरी शुरुआत की। काम था साइकिल पर घर गृहस्थी के सामान पैक कर हर फ्लैट में पहुंचाना। लेकिन लगन, मेहनत और एक जिद के चलते उन्होंने मुंबई में अपना एक विशेष मुकाम बनाया। समर्पण ऐसा कि काम करते रहे और आज मुंबई में 8 से 10 सुपरमार्केट खड़े कर दिए। मैं बात कर रहा हूं नरेंद्र चौधरी जी की, जो हमारे बीच हैं। नरेंद्र जी तमाम राजस्थानी युवाओं के लिए एक आदर्श हैं, जिनसे जीवन में बहुत कुछ सीखा जा सकता है। इनकी संघर्ष यात्रा को इस संवाद के स्पेशल शो में हम सुनेंगे, जानेंगे। नरेंद्र जी, प्रातःकाल लाइव में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। नरेंद्र भाई, मैं चाहूँगा कि अपनी मातृभूमि सरथुर गांव से लेकर मुंबई तक की यात्रा के बारे में आप खास तौर पर तमाम बारीक चीज़ें बताएं, ताकि हमारे दर्शकों को आपकी संघर्ष गाथा के बारे में पता चल सके। मैं 11वीं पास करने के बाद में जब मुंबई आया 1988 में, तो उसके बाद में मेरे अंकल की दुकान, वक्ताराम जी चौधरी साहब, और उनकी दुकान का नाम शोभाजी एंड कल्लाजी कंपनी, बीपी रोड भाईंदर, वहाँ पर उनका किराना का दुकान था। तो सबसे पहले मैं वहाँ गया, उनको पूछा, तो उन्होंने बोला ठीक है रहो। तो सबसे पहले तो फिर किराने की दुकान वाले डिलीवरी का काम कराते, तो बस झोले पैक करो, दोनों साइकिल के दोनों टांगो, उधर तीसरे माले पे पहुँचा के आओ, चौथे माले पे पहुँचा के आओ। और बस 8-10 महीना वो किया। उसके बाद में फिर एक होलसेल दुकान थी मेडिकल की, जिसका नाम था एम के फार्मा के सेठ जी हमारे हीरालाल जी चौधरी साहब, जो जेके चौधरी सीए साहब है, उनके भाई, उनके पास में फिर नौकरी किया लगभग 12 महीना। आपने अपने करियर की शुरुआत किराने से शुरुआत की, मेडिकल लाइन में आए। कॉस्मेटिक की दुनिया में आपका कैसे आना हुआ? कॉस्मेटिक की दुनिया में मुंबई में आपका एक विशेष नाम है। शुरुआत में फिल्म इंडस्ट्रीज की तमाम हीरो हीरोइंस के लिए आपके यहाँ से ही कॉस्मेटिक के सामान जाते रहे और आप इंटरनेशनल ब्रांड ही डील करते रहे, तो उसके बारे में बताएं आप। जब मेडिकल का धंधा मैंने छोड़ा, तो मेडिकल में क्या, मैं सब जगह ऑर्डर लेने के लिए जाता था सब दुकानों पर, तो सब दुकानों से अच्छी पहचान हो गई थी। उसके बाद में मन में जिज्ञासा थे कि अपना भी कुछ होना चाहिए। इसके लिए फिर मैंने फेरी का धंधा शुरू किया, अभी वहाँ झोला भरो और दुकान पर घूमो, तो कोई 500 रुपये का सामान लेता है, कोई 100 का लेता है, कोई 200 का लेता है, ऐसे रोकड़ा धंधा हो जाता था। और 300-400 रुपये से दिन के जब 100-150 रुपये मिलने शुरू हो गए, तो 300-400 से डायरेक्ट 4000 रुपये मिलने शुरू हो गए। ऐसा करते करते डे बाय डे बढ़ते गए, और क्वालिटी के साथ में हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और आगे से आगे फिर चलते गए। कॉस्मेटिक के बाद सुपरमार्केट में जाने का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? वर्तमान में आपके कितने शोरूम हैं और कितने लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं? कॉस्मेटिक्स के बाद में जब मैं कॉस्मेटिक्स का सामान बेचता था दुकानों पर, तो उसके बाद में कॉस्मेटिक्स की एक छोटी सी दुकान बनाई थी, बट उसमें मैंने सब ब्रांडेड सामान रखा, A to Z जो भी था सब ब्रांड के साथ में, क्वालिटी के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। खार में जब हमने छोटी सी दुकान ली, तो उसके अंदर भी सब ब्रांडेड स्टफ रखा था, टोटली एकदम ओरिजिनल क्वालिटी के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। उसके बाद में हमने दूसरी दुकान ली, तो उसके साथ में थोड़ा स्पेस और बड़ा था, तो कॉस्मेटिक्स के साथ साथ में हमने फूड स्टफ रखा, इम्पोर्टेड चॉकलेट्स वगैरह जो भी है। उसके बाद में हमने अंधेरी लिया, तो और भी बड़ी जगह थी, तो उसके साथ में हमने
क्रॉकरी रखा, उसके बाद में टॉयज रखा, उसके बाद में जो भी बढ़ता गया आगे से आगे आगे से आगे, जैसा जैसा स्पेस मिलता वैसे वैसे हम प्रोडक्ट को बढ़ाते गए, क्योंकि मुंबई के जितने भी बड़े बड़े डिपार्टमेंट थे उन सब में हमारा आना जाना था और हमें प्रेरणा वहीं से मिलती थी कि हमें भी इस प्रकार का कुछ करना है। सुपरमार्केट में अभी अपने कितने शोरूम हैं, कितने मार्केट हैं और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कितने लोगों को आप रोजगार दे रहे हैं? सुपरमार्केट में अभी हमारे 8 से 10 शोरूम हैं, जो 4 मुंबई में है और 5-6 नवी मुंबई में है। हम दोनों भाइयों ने मिलकर किया है। लगभग टोटली हमारे पास में 300-350 लोग काम करते हैं, उसमें से 150 के लगभग जो गर्ल्स स्टाफ है उसकी सैलरी कंपनी वाले देते हैं, हम नहीं देते, और हमारी तरफ से लगभग पूरा हमारा जो ग्रुप का है लगभग 200 आदमी। चौधरी जी, कोरोना काल हमारे जनमानस के लिए एक बहुत ही ख़राब समय रहा। इस खराब समय में आपका कोई ऐसा अनुभव है जिसे आप साझा करना चाहें? कोरोना काल ऐसे सबके लिए ख़राब ही था और हमारे लिए भी ख़राब था। लगभग 1 महीना तक हमने हमारा दुकान बंद रखा और उसके बाद में जब हमें जैसे तैसे छूट मिली तो हमने कमाने के उद्देश्य से नहीं, सेवा करने के उद्देश्य से काम किया। सिर्फ सेवा के उद्देश्य से, ऐसा नहीं कि भाई प्राइस बढ़ा दो, वो बढ़ा दो, कुछ नहीं। तो सेवा के उद्देश्य से काम किया तो लोगों की सेवा भी हो गई और हम लोगों का स्टॉक भी निकल गया और सब मतलब बढ़िया चलता रहा, भगवान की कृपा से बहुत अच्छा हुआ। आप जिस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, सुपरमार्केट इंडस्ट्रीज, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज, इसमें युवा पीढ़ी के लिए रोजगार के किस तरीके के अवसर हैं? कोई युवा अपना कारोबार कैसे शुरू कर सकता है? युवा पीढ़ी अगर काम करेगी, लगन लगा के अगर पुरुषार्थ करते हैं ईमानदारी के साथ में, तो एक न एक दिन उसका फल उसको जरूर मिलता है। और ईमानदारी की जड़ें जो होते हैं, हमारे पूर्वज बोलते हैं पाताल में होती है। तो ईमानदारी से अगर काम करेंगे, जिस भी दुकान में काम करें, जहाँ भी करें, वो जो ऑनर है, उस दुकान के मालिक है, उनका दिल जीतना बहुत बड़ी बात है। और दिल जीतेंगे तो वो जो मालिक है अपने आप उसको दुकान करा के देंगे कि भाई कुछ हिस्सा तू ले ले, कुछ मेरे को दे दे, और ऐसे करके ही बढ़ा जाएगा। राजस्थान से तो कोई लेकर आएगा नहीं इधर कि भाई पैसे लगाओ और काम करो। अपने को यहाँ जो काम करना है, जिस जगह काम करता है उसी का दिल जीत के उन्हीं से ही अपने को सहारा लेके काम करना पड़ेगा। आपकी कंपनी ने मुंबई में बहुत अच्छा विस्तार किया है, निकट भविष्य में मातृभूमि के लिए क्या विचार है? क्या ब्यूटीफुल ग्रुप राजस्थान में भी जाकर अपनी इस चेन को शुरू करेगा, वहाँ के लोगों को रोजगार देगा? मुंबई में भगवान की कृपा से, गुरुदेव का आशीर्वाद से, माता पिता की पुण्य आत्मा के आशीर्वाद से बहुत अच्छा हमें रिजल्ट मिल रहा है। और आगे हमारा प्लान जब ऑनलाइन का करने का है तो उस समय हम राजस्थान के बारे में सोचेंगे कि वहाँ से हम लोग कैसे रॉ मटेरियल ले सकते हैं, कैसे पैकिंग कर सकते हैं और कैसे ग्राहक तक पहुँचाया जा सके, तो उसमें डेफिनेटली सोचेंगे राजस्थान के बारे में। हमें लगाव है हमने मातृभूमि से। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मातृभूमि के प्रति भी आपका समर्पण हमेशा समय समय पर देखने को मिलता है। वहाँ पर महादेव जी के मंदिर के निर्माण में, सार्वजनिक धर्मशाला के निर्माण में, ये तमाम चीज़ें आपने की हैं। धार्मिक पृष्ठभूमि का जो आपके कार्यक्रम होते हैं या आप जो सहयोग करते हैं अपनी मातृभूमि, उसके बारे में बताएं। धार्मिक काम में ऐसा है कि गुरु कृपा ही केवलम और शिष्य के परम मंगलम। बाप जी गुरु महाराज जैसे भी हमें बुद्धि देते हैं उस प्रकार से चलता रहता है। और गुरु जी बोलते हैं कि पुण्य की जड़ जो है पाताल में होती है, पुण्य करते रहना चाहिए। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है, 2 धन चाहिए तो धर्म करो और मुक्ति नाम से होए। तो जैसे बाप जी देते हैं बुद्धि, वैसे काम करते रहते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं हमारे माता पिता की पुण्य आत्मा को, गुरुदेव को, दीपनाथ महाप्रभु जी को, कि उनकी और से हमें अच्छी बुद्धि मिलती रहे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सेवा का भाव बने। और सेवा है तो सब कुछ है। जी बिल्कुल, सेवा है तो मेवा है, अपने कहा जाता है हिंदू धर्म में। एक और सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु स्वामी महेश्वरानंद जी महाराज के आप बहुत करीबी हैं, गुरुदेव जब भी मुंबई में आते हैं तो आप उनका विशेष सत्संग का कार्यक्रम राजस्थानी समाज के लिए आयोजित करते रहते हैं। गुरुदेव से जुड़ने के बाद आपके जीवन में कोई आध्यात्मिक परिवर्तन हुआ हो, उस बात को आप साझा करें। आध्यात्मिक जीवन के बारे में, मैंने मंत्र दीक्षा ली थी 1993 में हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु भगवान स्वामी माधवानंदपुरी जी बाप जी से। और वो शुभ घड़ी, वो शुभ समय ही हमारे मतलब जीवन का कायाकल्प का समय था।
और उसके बाद मैं फिर जब भी गुरुजी मुंबई आते थे तो मैं उनके संपर्क में रहता था। कभी गुरुजी बोलते थे ये करना बेटा, मैं बोला चलो बाप जी ये करना है, चलो ये करना है, चलो। उसके बाद में धीरे 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 कालांतर में स्वामी जी से संपर्क होता रहा और बाप जी स्वामी जी से चर्चा करते रहते थे, नरेंद्र ऐसा है, नरेंद्र ऐसा है, नरेंद्र ने वो सेवा की है, नरेंद्र मेरे साथ में था। उस समय हमारा धन माल तो नहीं था, पैसे तो नहीं थे, बाकी गुरु जी बोलते थे तो मैं उनके लिए समय देता था। उसके बाद में स्वामी जी से संपर्क हुआ, स्वामी जी ने भी अपने को बहुत ही अच्छा प्यार दिया, स्नेह दिया और हमें ये एहसास नहीं होने दिया कि बड़े गुरु जी नहीं हैं। और गुरु जी ने हमेशा जो भी बात बताई वो हमेशा परमार्थ के लिए ही बताई, जोड़ने की बात बताई, गुरु जी ने कभी तोड़ने की बात नहीं बताई किसी से। हमेशा बोलते ये करने से वो होता है, ये करने से वो होता है, आप भक्ति करोगे तो इसका पुण्य और आगे मिलेगा। और भक्ति करने का मतलब गुरु जी ने मंत्र दे दिया है, अभी आपको माला पहनना है और जैसा पुरुषार्थ करोगे वैसा फल आपको मिलता रहेगा। तो हमें अगर कोई तकलीफ आती है, डिफ़िकल्टी आती है तो हम गुरु जी से ज़रूर चर्चा करते हैं, तो बाप जी महाराज उसका रास्ता भी बताते हैं और अगर उनका नियम का अनुसरण करते हैं तो हमेशा लाभ ही मिलता रहा है। बिल्कुल सही बात है, संतों का सानिध्य जीवन को परिवर्तित कर देता है और संतों का और संतों की जो वाणी है हमें एक मोक्ष गति की ओर लेके जाती है, क्योंकि हर मनुष्य का एक ही लक्ष्य होता है अपनी आत्मा का कल्याण। केंद्र सरकार ने हाल ही के दिनों में व्यापार जगत में बहुत सारी चीज़ों को सुगमता दी है, सहजता दी है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं मोदी सरकार को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद बोलता हूँ कि उन्होंने GST लागू किया। GST में किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं, GST अभी का जो सिस्टम चल रहा है उसमें बहुत खुश हूँ कि हर महीने हमारे को रिजल्ट मालूम पड़ जाता है कि आगे वाली पार्टी कैसी है। 5 साल पहले 7 साल पहले हमारे जो भी डिटेल थे उनके नोटिस अभी आ रहे हैं, एक से एक के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा। अभी उन व्यापारियों के पास में हम जाते हैं तो किसी ने GST भरा है, किसी ने GST भरा ही नहीं है, किसी ने VAT भरा है, किसी ने VAT नहीं भरा है, तो उन व्यापारियों को पकड़ना बहुत डिफ़िकल्टी है। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि वो पुराने नोटिस जो भी है बैठ बैठा के सेटलमेंट करके ख़त्म कर दे, क्योंकि उसमें व्यापारी और हमारा बहुत झगड़ा होता है। कुछ व्यापारी ने धंधा चेंज कर दिया, वो बोले मैं नहीं भरूंगा GST, क्या करना, जाओ जो करना कर लो, अभी हम उसका क्या बिगाड़ सकते। सरकार के पास में 1000 हथियार है, किसी भी रूप में मतलब वो सरकार पैसा वसूल कर सकती है, बाकी हम कैसे करें उससे वसूल। तो जिसने चोरी की है, जिसने GST या VAT नहीं भरा है, सरकार को उससे वसूल करना चाहिए, न कि जिसने बराबर से ईमानदारी से काम किया उसको परेशान करें। तो पुराने जो भी है उसको सेटलमेंट करके फिनिश करना चाहिए और नए तरीके का जो GST लागू किया है मोदी सरकार ने, बहुत 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 धन्यवाद कि बहुत अच्छा काम किया और बहुत सरलता सुगमता आ गई, काम करने में भी मज़ा आता अभी। अब क्योंकि हमें वापस ये नहीं मालूम कि 4 साल बाद में GST का कोई नोटिस आएगा, सब हर महीने का महीने हिसाब फाइनल हो जाता, तो बहुत बढ़िया है। बिल्कुल आपने सही कहा। अब हमारी सवालों और जवाबों के सिलसिले के अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के प्रवासी समाज जो खासतौर पर मुंबई में रहता है, उसके बारे में आपका नज़रिया क्या है और उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आप? पहली बात तो राजस्थान के जितने भी प्रवासी हैं उनको मैं बारंबार थैंक यू बोलता हूँ, धन्यवाद बोलता हूँ कि पूरी लगन से और ईमानदारी से मेहनत करते हैं और दिन रात एक करते हैं। मेहनत के मामले में राजस्थानियों से उतार है सभी, और विशेष तौर से हमारी सिरवी समाज है, उनको दिन भी नहीं मालूम रात भी नहीं मालूम, सुबह 7 बजे दुकान खोलते रात को 12 बजे तक कंटिन्यू चलते हैं और उसी ईमानदारी और लगन से काम करते हैं, तो अच्छी बात है। उनको जो भी आज व्यापार आगे बढ़ रहा है, बाद में उनके बच्चे सुखी होंगे, बहुत अच्छी बात है और बहुत ही मतलब लगन के साथ में और काम करते हैं मेहनत के साथ में। धन्यवाद नरेंद्र जी प्रातःकाल लाइव से बात करने के लिए। दोस्तों ये थे नरेंद्र चौधरी जी, जो पाली जिले के सरतूर गांव के निवासी और मुंबई के जाने माने उद्योगपति हैं। राजस्थानी समाज के मान और सम्मान को इन्होंने ऊँचा बढ़ाया है, आगे बढ़ाया। अगली कड़ी में मिलेंगे एक और ऐसी ही शख्सियत के साथ, बने रहें प्रातःकाल लाइव के साथ। अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।